नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द विनर्स इंस्टीट्यूट के द 10 मिनट शो में। आज का टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हो चुका है संडे को आईपीएल खत्म। तो सभी आईपीएल प्रेमियों और जो प्रेमी नहीं भी हैं, उनको परीक्षा में पूछा जाने वाला है आईपीएल से एक नंबर का प्रश्न। तो उसी प्रश्न की तैयारी के लिए आज का द 10 मिनट शो आपके बीच में उपस्थित है। मैं उम्मीद करूंगी कि आप इस 10 मिनट शो का पूरा पूरा आनंद लेंगे और नोट जरूर बनाएंगे क्योंकि यहां से आगामी परीक्षा में प्रश्न पक्का पूछा जाने वाला है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आईपीएल 2024 पूरी की पूरी व्याख्या। पर्पल कैप, ऑरेंज कैप, उदयमान खिलाड़ी आदि आदि की सारी जानकारी आपको इस 10 मिनट शो में मिलने वाली है। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, वो स्टूडेंट अवश्य लाइक कर दीजिए जो आईपीएल पूरा पूरा फॉलो कर रहे थे, और वे स्टूडेंट भी वीडियो को लाइक कर देंगे जो आईपीएल तो फॉलो नहीं कर रहे थे लेकिन इन क्वेश्चंस को फॉलो करके परीक्षा में एक नंबर पक्का करेंगे। महत्वपूर्ण तथ्यों का आज जो 10 मिनट शो होने वाला है देख लेते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप लोग विनर्स क्विज, लेटेस्ट जानकारी के लिए आप विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल द विनर्स इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब की क्लास की पीडीएफ के लिए भी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से भी आप जुड़ सक जाइए फटाफट दौड़ लगा करके। शुरुआत करूंगी, ध्यान से फोकस करके पढ़ना, और अगर यहां तक आ गए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना सभी आईपीएल प्रेमियों के बीच में। आईपीएल की शुरुआत कब से हो गई, तो सबसे पहले बात भाई, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि टी20 मैचेस की एक श्रृंखला है। इस मैचेस की श्रृंखला जिसका आयोजन बीसीसीआई यानी कि बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी, यह भी आपको याद रखना है। 2008 में राजस्थान रॉयल्स ने यह प्रतियोगिता जीती थी, और किसको हरा करके, तो पहले ही फाइनल मैच में उपविजेता था चेन्नई सुपर किंग्स। कौन था बच्चों? चेन्नई सुपर किंग्स पहले ही मैच में उपविजेता था, यह भी आपको पता हो जाना चाहिए। अगर मैं आगे बढ़ूं तो आगे की चर्चा 2008 से लेकर 2024 तक के सभी विजेताओं के बारे में आपको पता होनी चाहिए बातें, तो फोकस कर लेना दोस्तों। सबसे पहला मैच जीता था राजस्थान रॉयल्स ने, अब तक एक बार यह आईपीएल को जीत चुके हैं। कमेंट डाउन बिलो, हु इज द कैप्टन ऑफ राजस्थान रॉयल्स इन फर्स्ट मैच। राजस्थान रॉयल्स के पहले मैच में जब यह पहली बार विजेता बना था तब राजस्थान रॉयल्स का कैप्टन कौन था, कमेंट डाउन बिलो। चेन्नई सुपर किंग्स ने अभी तक 5 बार यहां पर आईपीएल की ट्रॉफी जीत ली है, यह भी आपको याद रखना है। 2023 का मैच चेन्नई सुपर किंग्स ने ही जीता था, इसलिए आप इसे पूर्व विजेता कह सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन कूल की कप्तानी में। अगर हम बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने अभी तक 3 बार आईपीएल की ट्रॉफी को अपने हाथ में लगा लिया, अपने हाथों से लिफ्ट कर लिया है। 2012 में सबसे पहले जीता था, फिर 2014 में यह टीम जीती, और अब 10 साल बाद 2024 में यह टीम आईपीएल में अपना खिताब अपने पास हासिल कर पाई है। कोलकाता नाइट राइडर जो वर्तमान विजेता है 2012, 2014 और 2024, याद कर लेना। मुंबई इंडियंस भी 5 बार विजेता है, इस बार उसका कुछ माहौल सही नहीं रहा, लेकिन हाँ 5 बार यह भी विजेता टीम के रूप में रह चुकी है। सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो इसने अपने हाथ में एक बार इस ट्रॉफी को लिफ्ट किया है, और 2024 में यह उपविजेता टीम भी रही है, याद रख लेना, उपविजेता टीम भी रही है। गुजरात टाइटंस की बात करें तो गुजरात टाइटंस ने एक बार इस ट्रॉफी को लिफ्ट किया है, यह भी आपको याद रखना चाहिए। 2008 से लेकर 2024 तक जितने भी टीमें हैं, जितनी बार भी इस ट्रॉफी को अपने हाथ में उठाया है उसकी पूरी जानकारी है, क्योंकि आईपीएल 2024 हुआ है तो करंट तो उसका पढ़ो ही पढ़ो, स्टैटिक जीके भी भूलना मत क्योंकि यहां से प्रश्न निकल के आते हैं। अगर मैं बात करूं तो आईपीएल 2024 के अध्यक्ष कौन थे, तो इसको भी देख लेना, अरुण सिंह धूमल को याद कर लेना। अरुण सिंह धूमल इस बार आईपीएल के अध्यक्ष थे, याद रख लेना स्टूडेंट। और थोड़ी सी जानकारी ले तो इस पूरी की जो टाइटल, इसका स्पॉन्सर कौन था, तो स्पॉन्सर की बात में आपको याद रखना चाहिए टाटा ग्रुप्स इस बार का
स्पॉन्सर था। अगर मैं आपसे बात करूं इनामी राशि, तो जो विजेता टीम है उसको भैया 20 करोड़ रुपए मिले हैं, उपविजेता टीम को 12.5 करोड़ रुपए मिले। मतलब पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया, कुछ इस प्रकार का आईपीएल मैच रहा, इस प्रकार की जानकारी रही। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आईपीएल मैच की शुरुआत 2024 की शुरुआत, पहला जो मैच हुआ था वो 22 मार्च को हुआ था और इसका समापन 26 मई दिन रविवार को 2024 में हुआ, ये भी आपको याद रखना चाहिए। कुल 74 मैच इसके आयोजित किए गए दोस्तों, कितने शहरों में, तो 13 शहरों में, भारत के 13 शहरों में इसका आयोजन किया गया, ये भी आपको याद रख लेना चाहिए। अब चूंकि हमने दृढ़ निश्चय ले लिया है कि आईपीएल को हम 10 मिनटों में पूरा पूरा परखेंगे, तो क्यों ना इस दृढ़ निश्चय को भी पूरा कर लिया जाए। फाइनल मैच का आयोजन दोस्तों किया गया था के चिदंबरम स्टेडियम में, के चिदंबरम स्टेडियम में फाइनल मैच का आयोजन किया गया, ये भी याद रख लेना। कुल 10 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था दोस्तों, कुल 10 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था, ये भी आपको याद रख लेना चाहिए। आगे बढ़ूंगी तो इस के टीम के आयोजक के बारे में, जैसे मैंने बताया टाटा समूह आप याद रख लेना, पुरस्कार राशि मैंने 20 करोड़ रुपए बताई दी है, पहला मैच मैंने बता दिया आपको 22 मार्च को आयोजित किया गया था, और आईपीएल का ये जो कौन सा संस्करण था, तो ये जो 2024 का संस्करण था वो 17वां संस्करण था, ये भी याद रख लेना। आपको ये जानकारियों में से कई जानकारी अगर नहीं पता है तो उसको नोट जरूर कर लेना स्टूडेंट, क्योंकि हमें एक लंबे समय तक याद रखना है, मतलब कि अगले आईपीएल तक ये सारे के सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, क्योंकि बीच में कई परीक्षाएं होंगी और उन परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछे ही पूछे जाने हैं। अब थोड़ा सा बात करते, चूंकि इसका आयोजन बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के द्वारा आयोजित किया जाता है, भारत में क्रिकेट नियंत्रण संस्था के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, तो बीसीसीआई के बारे में बात करें तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 को की गई थी, इसका हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, इसके वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों रोजर बिन्नी है, ये भी आपको याद रख लेना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि बीसीसीआई के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष के रूप में राजीव शुक्ला का नाम जरूर आप लोग याद रख लेना, राजीव शुक्ला जी का नाम याद रख लेना। अगर आपसे पूछा जाए कि बीसीसीआई के सचिव कौन है, तो भैया आप तो इनको जानते ही जानते हैं, जय शाह वर्तमान में इसके सचिव हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में पुरुष टीम के कोच कौन है, पुरुष क्रिकेट टीम के कोच पूछे जाए, तो पुरुष क्रिकेट टीम के कोच के बारे में जानकारी रख लेना दोस्तों, ये है राहुल द्रविड़ जी। अगर आपसे पूछा जाता है कि महिला टीम के कोच कौन है, तो महिला टीम की, महिला क्रिकेट टीम की कोच भी आपको याद में रख लेना चाहिए, महिला क्रिकेट टीम की जो कोच है वो कौन है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हमने दृढ़ निश्चय लिया है पढ़ेंगे तो ऐसा पढ़ेंगे कि हम कुछ भी इसमें से भूल ना पाए। रमेश पवार को आप लोग जरूर याद रख लीजिए, यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ूंगी मैं, आईपीएल के कुछ जो अवार्ड्स जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, चांद सितारे लगा लेना, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल एग्जाम, एसएससी, रेलवे, एमपीपीएससी और एमपी के जितने भी एग्जाम होंगे या फिर सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्जाम होंगे, आईपीएल एक ऐसा टॉपिक है जो 2 नंबर पक्का दिलाएगा। तो अगर मैं बात करती हूं आईपीएल 2024 में गेम चेंजर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसको मिला, तो याद रखना गेम चेंजर ऑफ द सीजन हर्षल पटेल को मिला। किसको मिला दोस्तों? हर्षल पटेल को मिला। किस टीम से खेलते हैं जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं तो इसी सेशन में आगे मिल जाएगा। प्लेयर ऑफ द अवार्ड मैच किसको मिला, तो मिचेल को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। आईपीएल में उभरते हुए खिलाड़ी का अवार्ड किसको मिला, तो नीतीश रेड्डी को यह अवार्ड मिला है, यह भी आपको याद रख लेना चाहिए। नीतीश रेड्डी उभरते उभयमान इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द आईपीएल, तो नीतीश रेड्डी का नाम भी आपको याद में रख लेना चाहिए। अगर मैं आगे बढ़ू तो ऑरेंज कैप जो सबसे ज्यादा विकेट बनाएगा, रन बनाएगा, उसको ही यह मैच ऑरेंज कैप पहनाया जाएगा। चूंकि 741 रन बनाए हैं विराट कोहली ने, तो विराट कोहली को मिला है ऑरेंज कैप, जो कि किस टीम से संबंधित है, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की किस्मत अच्छी नहीं है या फिर क्या है, है ना, प्लेऑफ निकालने के बाद भी ये फाइनल तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन हाँ विराट कोहली ने ऑरेंज कैप जीत लिया है। पर्पल कैप मिलता है सर्वाधिक विकेट लेने वाले को, और सर्वाधिक विकेट किसने लिए हैं, तो हर्षल पटेल ने लिए हैं, ये भी आपको याद रख लेना चाहिए। हर्षल पटेल ने सर्वाधिक विकेट लिए हैं, इनका संबंध पंजाब टीम से है जिन्होंने 24 विकेट लिए हैं सर्वाधिक। आईपीएल 2024 में फेयर प्ले टीम का अवार्ड किसको मिला है, फेयर
प्ले टीम का अवार्ड सनराइजर्स हैदराबाद. आई लाइक दिस टीम क्योंकि इन्होंने अच्छे रन बनाए भाई. तो सनराइजर्स हैदराबाद को क्या मिला है? फेयर प्ले का अवार्ड. जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए सनराइजर्स हैदराबाद के कैप्टन कौन है. सीजन के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी की बात चल रही है तो सुनील नरेन को जरूर याद रखिए. सीजन के सबसे जो मूल्यवान खिलाड़ी है, वैल्यूएबल क्रिकेटर है, वो भी याद रख लेना सुनील नरेन को. अगर आपसे पूछा जाता है सीजन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्राइकर कौन था, तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्राइकर जैक फ्रेजर था. ये भी आपको याद रख लेना चाहिए, जरूर लिख लेना. मैंने चांद सितारे बता लिए हैं. जैक फ्रेजर इज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्राइकर ऑफ आईपीएल 2024. इमर्जिंग प्लेयर आए या फिर उदयमान आए या फिर उभरते हुए खिलाड़ी आए, तो मैंने ऑलरेडी आपको इसके संबंध में नीतीश रेड्डी का नाम जरूर बता दिया है. मोदी नहीं, नीतीश मोदी नहीं, नीतीश रेड्डी. ठीक है, परफेक्ट कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड किसको मिला है? तो यह अवार्ड मिला है रमनदीप सिंह को. किसको मिला दोस्तों? रमनदीप सिंह को यह अवार्ड मिला है परफेक्ट कैच ऑफ द सीजन. पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक छक्के किसने लगाए हैं? तो याद रखना अभिषेक शर्मा का नाम. अभिषेक शर्मा का नाम यहां पे चर्चा में रहेगा ही रहेगा. अगर आपसे पूछा जाए आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक रन किसने बनाए हैं, तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में सर्वाधिक रन और सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी का नाम जरूर बताना. मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि मैं बता चुकी हूं प्रश्न उस तरीके से ऑरेंज कैप पर्पल कैप में पूछा जाए या फिर इस तरीके से पूछा जाए, दोनों ही तरीके आपको पता होना चाहिए. आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक विकेट, जो कि मैंने आपको होमवर्क ऑलरेडी दे दिया है. पिच ग्राउंड अवार्ड किसको मिला है? तो राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद को यह अवार्ड मिला है 50 लाख रुपए की राशि के साथ. राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद को यह अवार्ड दिया गया है 50 लाख रुपए की राशि के साथ. अल्टीमेट फैंटेसी प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसको मिला है? तो ये मैं चाहूंगी कि आप लोग मुझे होमवर्क में देंगे क्योंकि इसके बारे में चर्चा बहुत हुई है, पर न्यूज़पेपर्स में इसकी चर्चाएं आई हैं. तो मैंने आपको आईपीएल सीजन के 2024 के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी है. आप लोग इस सीजन को या फिर इस वीडियो को एक बार और देखना, नोट जरूर बनाना. शुरुआत पहली विजेता, पहली उपविजेता के रूप में, फिर उसके बाद अभी तक कितनी टीमों ने कितने बार मैच जीत लिए हैं ये भी अपन ने चर्चा करी है. चूंकि 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मैच जीता है तो उसके बारे में भी हमने चर्चा को कर लिया है, है ना. अब हमने देखा भाई इस बार आईपीएल में अध्यक्ष कौन था, स्पॉन्सर कौन था और पुरस्कार राशि के बारे में. शुरुआत कब से होती है ना आईपीएल 2024 की, तो ये इस ड्यूरेशन में मैच हुए हैं, कितने मैच कितने शहरों में, सारी जानकारियां. फिर इसके बाद हमने चर्चा करी कि कौन सा संस्करण आदि था, बीसीसीआई के द्वारा आयोजित किया जाता है तो उसके बारे में प्रमुख नियुक्तियां, और फिर जितने अवार्ड्स मिले उनकी पूरी श्रृंखला, एक लंबी श्रृंखला आपके बीच में उपस्थित है. मैं उम्मीद करूंगी कि मैंने जितने क्वेश्चंस पूछे हैं आप मुझे जरूर दोगे. केकेआर जिसके कोलकाता नाइट राइडर्स जिसके है जो कप्तान थे वो थे श्रेयस अय्यर, और इन्होंने जो पुरस्कार था या ट्रॉफी थी उसको लिफ्ट किया था. कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? तो ये 10 टीमों ने, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, लखनऊ सुपर जायंट्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन्स, इन 10 टीमों ने 2024 में हिस्सा लिया था. ये भी आपको जानकारी में होना चाहिए. तो इस प्रकार आईपीएल 2024 की जो प्रमुख तथ्य थे मैंने आप तक रखने की पूरी पूरी कोशिश की है. फिर भी अगर कुछ बचता है तो मैं नेक्स्ट इसका पार्ट जरूर लेके आऊंगी. अभी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यहां तक पहुंच चुके हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए. अगला टॉपिक कौन सा होगा ये भी बता देना. 10 मिनट शो आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना. मैं मिलती हूं आपको सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में. तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद.